ऑल्डो को ग्रूमिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। यार इनम को बड़ा पसंद है। सोच रहे होंगे क्या नूडल्स है ये। आधे से ज्यादा वेजिटेबल का नाम मुझे पता ही नहीं है। सब्जी सो गुड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सैटरडे है और आप सबको बाय नाउ पता चल गया है कि व्हाट्स आवर सैटरडे रूटीन। ऑल्डो के लिए ही वो दिन होता है सैटरडे संडे यूजुअली। सो आज भी वही है, हम ऑल्डो को ग्रूमिंग के लिए लेकर जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। आपको पता है जब हम उसको ग्रूमिंग के लिए लेकर जाते हैं उसके बाजू में ही इज लाइक माई फेवरेट कैफे, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रंच करूंगी। उसके बाद हम जाएंगे और एक पेट शॉप में। ऑल्डो का जो सारा ट्रीट वगैरह है वो खत्म हो चुका है। आई विल गेट दोज फॉर हर। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा। मे बी इफ आई हैव टाइम आई गेट माई नेल्स डन अ लिटिल बिट एंड पता नहीं क्या होगा। सो आप हमारे साथ चलिए, लेट्स गेट सैटरडे स्टार्टेड। We have reached here, our favorite place. Coffee पियेंगे। The Aldo को लाना it's very exhausting. This 45 minutes to an hour is just for me. I can sit and relax. I don't have to watch after Aldo. I don't have to pick up after her or clean up after her. I can just sit and relax a little bit. ये जो ब्रेकफास्ट प्लेटर है यार इन को बड़ा पसंद है। मैं सिर्फ खाती हूँ ये हैश ब्राउन्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। हमारे घर पे कुछ नाश्ता बन रहा है। आई डोंट नो क्या बन रहा है। आलू वाला नूडल्स बन रहा है। यहाँ पे आलू कट रहा है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। सॉरी ये ऑयल गरम हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आउटकम। ये लोग पेंट करके चले गए हैं। सो लेट्स सी कब तक सूखता है, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग होल्स अगेन। आप लोग सोच रहे होंगे क्या नूडल्स है ये। देयर इज नो सोय सॉस, नो नथिंग। दिस इज बंगाली स्टाइल जो हम बचपन में खाते थे, मैं और अरिंदम, दोनों अपने अपने घर पे अलग अलग स्टाइल से। अच्छा बनता है, आलू है, अंडा है इसमें, बट अंडा आज के वाले में ज़्यादा नहीं है बिकॉज दो ही अंडे थे, उसमें से एक खराब निकला। सो आलू की प्रपोर्शन थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें और अंडे की कम। थोड़ा सा ही नूडल्स बनाया है और किचन की हालत देखिए, इट्स अ मेस। ये देखिए हमारा नूडल्स बन के रेडी है। अब एडेड सम अनियन एंड क्यूकम्बर ऑन टॉप। ये खाएगा अरिंदम। और ये देखिए ऑल्डो, हमारा वॉल जो है वो फिक्स हो चुका है। थोड़ा सा अजीब सा है बट दैट्स ओके। आई एम गोइंग टू पुट अप सम फोटो फ्रेम्स अप देयर। घर की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं उसके बाद आई विल डू ऑल दीज थिंग्स या फिर बीच में करूँगी। लेट्स सी हाउ आई गो अबाउट इट, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो आई फिक्स्ड दिस वॉल, हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट क्योंकि ठीक से हो नहीं रहा था क्योंकि गैपिंग थोड़ी ज़्यादा है उधर से कंपैरेटिवली। सो या मैंने कर दिया है फाइनली। द वॉल लुक्स प्रिटी गुड नाउ। और भी बहुत सारे फ्रेम्स है बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट एवरीथिंग अप हियर एंड मेक इट कंजस्टेड। लेट्स सी इफ आई पुट सम फोटो फ्रेम्स दिस साइड। घर का सारा काम हो चुका है एंड आई वॉज इन द किचन डूइंग सम चॉपिंग, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम स्वेटिंग सो बैडली। मैं दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एज यू कैन सी। आधे से ज्यादा वेजिटेबल का नाम मुझे पता ही नहीं है। दिस इज तुरई, बैंगन है, पम्पकिन है, मूली है, कुदरी भी है, क्यूकम्बर इन हियर है, पत्ता गोभी और आलू चाहिए होंगे, टमाटर, ये अदरक, बॉइल्ड व्हाइट मटर, ये वाला मैं डालती हूँ अपने मिक्स वेजिटेबल में। आई विल बी कुकिंग दिस इन सरसों के तेल में। मेरा कढ़ाई जो है ये बहुत ज्यादा छोटा है कम्पेयर टू ऑल दीज वेजिटेबल्स, सो पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगी, बट लेट्स सी। दिस इज माय मॉम्स रेसिपी, ये मैं बचपन से खाते हुए बड़ी हुई हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फाइनली आई गॉट द रेसिपी। ओके,
थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 5 फोरन हर एक बंगाली हाउस होल्ड में मिलता है, ये डाल देंगे। एड द वेजिटेबल्स, आई एम वेरी स्कैर्ड फिट नहीं आएगा इसमें, इसको खिलाने की बारी है। ओके आई डोंट नो हाउ टू डू इट, आई विल एड माई टमेटो राइट ऑन टॉप। हाउ डू आई मिक्स इट गाइज, हाउ डू आई डू इट? ओके कोशिश करते हैं। ओके आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो, थोड़ी देर ना इसको पकने देते हैं, मे बी देन जब सॉफ्ट हो जाएगा देन आई कैन। ओके यू वुडंट क्लोज, सो लेट्स चेक इट। ये पक रहा है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं गया है मसाला, दिस हैज रिड्यूस्ड इन साइज। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इससे जो पानी निकलेगी बस उसी से आपको पकाना है। आई विल स्टार्ट एडिंग माई स्पाइसेस, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी डाल देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये है कुटी हुई अदरक और लाल मिर्च, मतलब सूखी वाली नहीं पक्की वाली जो लाल मिर्च आती है वो। आपके पास अगर लाल मिर्च ना हो तो आप हरी मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ढेर सारी मिर्चे, अब इसको बस मिला देना है, दैट्स अबाउट इट। ये भी डाल देंगे, पानी नहीं जानी चाहिए बस, ये मटर डालने से इतनी अच्छी बनती है बिकॉज यू हैव समथिंग टू बाइट ऑन। पकने देते बस हीट कम करके बीच बीच में चलाते हुए हम इसको पका लेंगे, एक बार खोल के देखेंगे। अभी भी पानी है बहुत सारा इधर दिख रहा है मुझे, आपको नहीं दिखेगा। सो इसको अभी कम हीट पे ही रख देना है, ये और भी ज्यादा ये कम टुगेदर। जो घी डालनी है इसमें, दिस मच ऑफ घी इज जस्ट फाइन। गरम मसाला इसमें डालना है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, एक बार मैं अपने मॉम से बात कर लेती हूँ, अगर वो बोले कि गरम मसाला डालना है तो फिर हम डालेंगे इसमें, ठीक है। जनरली ऐसा सब्जी भगवान जी के लिए हम बनाते हैं बंगाली हाउस होल्ड में, भगवान जी के लिए नहीं है तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक के थोड़ी देर हम और पकाएंगे लो हीट पे, बाहर की वेदर धूप बिल्कुल चली गई है और धूल वगैरह भी नहीं हो रही है, पता नहीं शायद बारिश हो। स्पोक टू माई मॉम एंड शी सेड इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा, बस ऐसे ही ठीक है, पर उन्होंने कहा था मिर्ची और अदरक और टमेटो का पेस्ट डालने के लिए। आई मिस्ड आउट कि पेस्ट डालना था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, बट कोई बात नहीं, आप अगर बना रहे हो तो पेस्ट डाल के बनाए, एंड इट इज अमेजिंग, बहुत अच्छी बनी है। पानी सूख गया है और अब मैं इसको खाने वाली हूँ, आई कांट वेट टू ईट दिस वन। तो मैं थोड़ी सी सब्जी खा रही हूँ, सब्जी सो गुड सो गुड। ये रहा हमारा डिनर, ब्रेड सब्जी जो मैंने बनाई थी और थोड़ी सी पनीर। आज सैलड नहीं है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। चावल क्यों नहीं है आप पूछेंगे, बिकॉज अरिंदम डिडंट वांट टू ईट चावल, तो अरिंदम नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खा रही हूँ। सो या